हेलो सिक्स क्लास, आज हम आपकी टेक्स्ट बुक हनीकॉम की सिक्स लेसन एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स के सेकंड पार्ट का हिंदी में मीनिंग जानेंगे। आई रोट, मैंने लिखा इनमें लार्ज बड़े ब्लॉक को तक खांचे लेटर्स, तो बड़े खांचों के अक्षरों में लिखा। कैचिंग ए क्रुक, क्रुक मीन्स अपराधी को पकड़ना। एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स, कुशल जासूस निषाद एंड माया पंडित, बाय द्वारा अपॉइंटमेंट नियुक्ति टू द होल वर्ल्ड, तो पूरे संसार के लिए नियुक्ति द्वारा। देन आई बिगेन राइटिंग, फिर मैंने बिगेन शुरू किया राइटिंग लिखना। अबाउट लगभग, हाफ एन आवर आधा घंटा, लेटर बाद। आई टर्न, मैं मुड़ी टूवर्ड्स की ओर सेवन के। हु वॉज, जो था लाइंग लेटा हुआ ऑन हिज, पर हिज अपने टमी पेट के बल। चिन कप्ड इन हिज पाम्स, और चिन जो ठुट्टी थी वो इनमें, हिज उसके पाम्स हथेलियों में कप्ड, यानी कि प्याला सा बनाया था जो हथेलियों से उनके बीच में उसकी चिन ठुट्टी थी। रीडिंग पढ़ते हुए कॉमिक्स, कॉमिक पढ़ रहा था वो अपनी ठुड्डी में, अपनी सॉरी अपने हथेलियों के प्याले में ठुड्डी को लिए हुए। वॉन्ट टू हीयर, वॉन्ट चाहते हो, टू हीयर सुनना। वट आई हैव रिटन, मैंने क्या लिखा है। आई आस्क, मैंने पूछा। ये देखिए, बाई अपॉइंटमेंट टू ऑफिशियली चूजन बाई समवन इम्पॉर्टेंट ही, उसने लुकड अप देखा क्वेश्चनली, प्रश्नवाचक दृष्टि से। आई हैव लिस्टेड, मैंने उन सब सूची बना दी है ऑल सबकी। द फैक्ट्स, तथ्यों की। वी नो, हम जानते हैं अबाउट बारे में, मिस्टर नाशिमा नाथ के। विच माइट हेल्प, जो मदद कर सकते हैं अस, हमारी। टू ट्रैप हिम, ट्रैप यानी कि उसको पकड़ना, उसको पकड़ने के लिए, कानून के हवाले करने के लिए। आई सेड, मैंने कहा। वॉन्ट चाहते हो, टू हियर सुनना। सेवन नॉडेड, सेवन ने सिर हिलाते हुए हाँ कहा। फैक्ट नंबर वन, तथ्य नंबर एक। आई रीड, मैंने पढ़ा। हिज नेम इज़ मिस्टर नाथ, उसका नाम श्रीमान नाथ है। वी मस्ट डिस्कवर, हमें डिस्कवर खोजना चाहिए उसका पहला नाम। डू यू थिंक, क्या तुम सोचते हो। दैट इज़ हिज रियल नेम, वो उसका असली नाम है माया। निषाद आज, निषाद ने पूछा। प्रोबेबली नॉट, शायद नहीं। आई सेड, मैंने कहा। मोस्ट क्रुक्स, अधिकतर अपराधी हैव, अपराधियों के होते हैं एन एलियास, एलियास यानी उपनाम। आई एडेड, मैंने जोड़ा। अभी क्वेश्चन मार्क, एक बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह आफ्टर नाथ, नाथ के बाद लगाया है, जोड़ा। फैक्ट नंबर दो, तथ्य नंबर दो। आई रीड ऑन, मैंने आगे पढ़ा। द टेनेंट्स, टेनेंट्स एट शंकर हाउस से ही इज मेट, तो शंकर हाउस के जो, मैंने पढ़ना जारी रखा, तो जो किराएदार हैं शंकर हाउस के, से कहते हैं ही इज मेट, वह पागल है, स्ट्रेंज विचित्र है, एंड अनफ्रेंडली, और क्या है, मिलनसार नहीं है, यानी दोस्ती नहीं करता है। नंबर थ्री, नंबर तीन, ही डजन टॉक, वो डज नॉट टॉक, टॉक बातें डज नॉट नहीं करता टू एनीवन, किसी से। एंड इज़ है मैनरलेस, यानी कि असभ्य है, उसको कोई तमीज़ नहीं है। बट ही, लेकिन वो डिड टॉक, बातें करता है, लेकिन उसने बातें की थी टू अस, हम से, माया। एंड मामा सेज, और माँ कहती हैं, ही इज़ वेरी पोलाइट, वो बहुत विनम्र है। निषाद इंटरप्टेड, निषाद ने, निषाद बीच में बोल पड़ा। ही ओनली टॉक्ड, वो केवल बातें करता था टू अस, हमसे, बिकॉज, क्योंकि। ही हैड टू, उसे करनी थी, उसकी मजबूरी थी। आई सेड, मैंने कहा। एंड सिंस ही वॉज अंडर ममाज मेडिकल ट्रीटमेंट, और चूँकि वो ममा के चिकित्सकीय उपचार के अंदर है, चिकित्सक उपचार करा रहा है। ही हैड टू बी पोलाइट, उसे विनम्र तो होना ही था। पोलाइट मीन्स विनम्र। फैक्ट नंबर फोर, तथ्य नंबर चार, ही डज नॉट रिसीव, वो रिसीव यानी प्राप्त करना, डज नॉट नहीं करता एनी लेटर्स, कोई चिट्ठियाँ। सेवन नॉडेड, सेवन ने सिर हिलाया, सहमति में सिर हिलाया। नंबर फाइव, नंबर पाँच, ही हैज़ बीन लिविंग इन रूम 10, तो वो ऑफ शंकर हाउस, वो है, ही हैज़ बीन लिविंग, वो रहता आ रहा है कमरा नंबर 10 में।
शंकर हाउस के फॉर मोर देन अ ईयर, एक साल से भी मोर ज़्यादा। आई कंटिन्यूड, मैंने जारी रखा। नंबर सिक्स, ही डजेंट वर्क, वो काम नहीं करता एंड सिट्स, बैठा रहता है इन हिज रूम, अपने कमरे में ऑल डे सारा दिन। नंबर सेवन, नंबर सात, द किड्स इन शंकर हाउस, शंकर हाउस के जो किड्स बच्चे एंड इवन यहाँ तक कि सम कुछ ऑफ द ग्रोन अप्स, ग्रोन अप्स यानी बड़े लोग, आर स्केयर्ड, भयभीत रहते हैं ऑफ हिम, उससे। नंबर आठ, ही हैज़ नो विजिटर्स, उसके कोई मेहमान नहीं आता एक्सेप्ट अलावा फॉर इज स्पेक्टिकल्ड, चश्मा पहने गोरे मोटे आदमी के अलावा उसका कोई मेहमान नहीं आता, हु जो विजिट्स आता है हिम उसके पास ऑन संडेज, रविवारों को, फॉर लंच, दोपहर के भोजन के लिए। नंबर नाइन, फूड एंड टी आर, चाय और खाना, आर टेकन, ले जाए जाते हैं टू हिज़ रूम, उसके कमरे में, बाय रमेश, रमेश के द्वारा, फ्रॉम द रेस्टोरेंट, डाउन स्टेयर्स, तो नीचे रेस्टोरेंट से उसके लिए ले जाए जाते हैं। ही डजेंट केयर, केयर परवाह नहीं करता व्हाट, क्या, ही ईट्स व खाता है, पेज, चुकाता है हिज बिल, अपने बिल को इमिडिएटली, तत्काल, एंड टिप्स, और बख्शीश देता है, वेल, बहुत अच्छी। तो दैट एंड्स माई लिस्ट, मेरी सूची ख़त्म होती है, अब ख़त्म होती है। हैव आई फॉरगॉटन, क्या मैं भूली हूँ एनीथिंग, कुछ, सेवन, सेवन में कोई कुछ भूली हूँ, तो निषाद हैड ओबियसली, ओबियसली स्पष्ट रूप से निषाद हैड नॉट बीन पेइंग, ध्यान नहीं दे रहा था, टू मच, बहुत ज़्यादा अटेंशन, ध्यान, टू माई लिस्ट, मेरी सूची ऑफ फैक्ट, तथ्यों की मेरी सूची पर, वो स्पष्ट रूप से बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा था, पेइंग, ऑल ही कुड, तो ऑल ही कुड सका, ऑल सब से कह, वॉस था, तो जो कुछ भी वो कह सका वॉस था, पुअर मैन, बेचारा आदमी, माया, ही मस्ट बी सो लोनली, वो बहुत अकेला है, वो बहुत एकाकी महसूस करता होगा, इफ़ यदि ही डजेंट हैव एनी फ्रेंड, यदि उसका कोई दोस्त नहीं है, तो हाउ कैन, हाउ कैसे कह सकता है एक रुख अपराधी है फ्रेंड्स, इडियट, बेवकूफ़, किसी अपराधी का कोई दोस्त कैसे हो सकता है, आई, मैं, ऑलमोस्ट, लगभग, शाउटेड, चिल्लाई, एट लीस्ट ही हैज़ वन फ्रेंड, कम से कम उसका एक दोस्त तो है, द वन हु मीट्स हिम ऑन संडेज, सेड निषाद, एक जो उससे रविवारों को मिलने आता है, निषाद ने कहा। अ ब्रिलियंट थाट ऑकर टू मी जस्ट देन, एक बहुत बढ़िया थाट, विचार ऑकर्ड आया टू मी, मेरे दिमाग में या मुझे, जस्ट, मात्र, देन, तभी केवल, मात्र, तो जस्ट तभी, मात्र तभी मेरे मन में एक विचार आया, दैट मैन, वो आदमी, मस्ट बी, अवश्य होगा, मिस्टर नाथ्स अकम्प्लाइस, अकम्प्लाइस यानी कि हेल्पर इन क्राइम, तो उसके अपराध में साथी होगा, इन क्राइम, क्राइम अपराध में, आई सेड, मैंने कहा, मे बी, हो सकता है, ही कीप्स, वो रखता हो, ऑल द लूट, सारा चोरी का सामान या लूट का सामान, एंड ही कम्स, और वह आता है अब और तब, टू गिव, देने के लिए, पार्ट, हिस्सा ऑफ इट इसका, टू हिज पार्टनर, अपने साथी को, अपने साथी जो मिस्टर नाथ है उनको, फॉर एक्सपेंसेस, खर्चों के लिए, दैट्स इट, ये सब है, आई एम श्योर आई एम राइट, मुझे विश्वास है, मैं विश्वस्त हूँ कि मैं सही हूँ। इफ़ यू इंसिस्ट ऑन कॉलिंग हिम ए क्रिमिनल, यदि तुम इंसिस्ट, अड़ी हो ऑन कॉलिंग, कहने के लिए हिम उसको, अ क्रिमिनल, अपराधी, आई डोंट थिंक, मुझे नहीं लगता, आई वॉन्ट टू डिस्कस, मैं बातचीत करना चाहता हूँ, एनी थिंग, कुछ भी, विद यू, तुम्हारे साथ, माया, सेड निषाद एंग्रीली, निषाद ने गुस्से से कहा, ही कांट बी सच ए बैड मैन, वो कैन नॉट बी, नहीं हो सकता ऐसा बुरा आदमी, इफ़ यदि ही गिव्स, वो देता है रमेश को, सच जेनरस टिप्स, ऐसी उदार बख्शीश, रमेश प्रोबेबली नोज, रमेश संभवतः जानता है समथिंग, कुछ अबाउट बारे में, हिज पास्ट, उसके अतीत के, उसके बीते हुए समय के, सो मिस्टर नाथ, इसलिए मिस्टर नाथ मस्ट बी ब्राइबिंग हिम, अवश्य उसको घूस दे रहे हैं, टू कीप क्वाइट, चुप रहने के लिए, क्वाइट, चुप, कीप रहने के लिए उसको ब्राइबिंग, घूस दे रहे हैं, आई सेड, मैंने कहा, निषाद ग्लेयर, निषाद ने घूरा एट मी, मुझको, विद हिज आर्म्स,
उसकी हाँ विद हिज आर्म्स टाइटली टाइटली कस के अपनी बाहों को क्रॉस्ड अक्रॉस हिज चेस्ट अपनी छाती के आर पार बांधे हुए क्रॉस किया हुआ था. आई वॉज बिगनिंग टू गेट फेड अप विद हिम और मैं बिगनिंग शुरू हो रही थी टू फेड अप परेशान होना विद हिम उसके साथ मैं उसकी बातों से परेशान होने लगी थी. हाउ कैन वी मेक एनी प्रोग्रेस हाउ कैन हाउ कैसे कह सकते हैं वी मेक हम कर एनी प्रोग्रेस कोई प्रगति विद अवर इन्वेस्टिगेशन अपनी जांच पड़ताल में इफ़ यदि यू टेक दैट एटीट्यूड यदि तुम ऐसा रवैया अपनाते हो. सेवन आई आस्क्ड मैंने कहा आई विल कोऑपरेट मैं कोऑपरेट सहयोग करूँगा ओनली केवल इफ़ यदि यू गिव अप तुम छोड़ दो दिस आइडिया ये विचार अबाउट बारे में हिम उसके बींग होने के एन एस्केप्ड क्रूक एक भागा हुआ अपराधी जेल से भागा हुआ अपराधी. सेट सेवन ने कहा यू रियली मेक मी एंग्री तुम तो मुझे गुस्सा कर रही हो वास्तव में तुम मुझे गुस्सा करती हो. आई ऑलमोस्ट हिट हिम मैं लगभग उस पर वार किया मैंने लगभग उस पर हिट वार किया. आई मेक यू एंग्री मैं तुम्हें गुस्सा करती हूँ. यू स्टूपिड तुम बेवकूफ ओफ मूर्ख मैं चीखी. आई शाउटेड मैं चीखी. यू मेक मी मैड तुम मुझे पागल बनाते हो. वट इज द क्या है पॉइंट ऑल दीज इंक्वायरीज इन सब पूछताछों का क्या अर्थ है इफ़ यदि ही इज़ नॉट ए क्रूक यदि वो एक अपराधी नहीं है. इफ़ यू थिंक यदि सोचते हो ही इज़ अ नोबडी वो कुछ नहीं है. वट इज़ द आइडिया ऑफ बॉदरिंग अबाउट हिम तो उसके बारे में परेशानी उठाने की क्या ज़रूरत है उसके बारे में सिर खपाने की क्या ज़रूरत है. निषाद लुक्ड थाटफुल निषाद सोचने लगा. आई वुड लाइक टू फाइंड आउट मैं पता लगाना चाहूँगा फाइंड आउट पता लगाना लाइक चाहूँगा. वाई क्यों ही सो थिन वो इतना पतला है एंड वाई ही सो लोनली और क्यों वो इतना अकेला है. आई वॉन्ट टू नो मैं चाहता हूँ टू नो जानना वाई क्यों ही डजेंट हैव उसके नहीं है एनी फ्रेंड्स कोई दोस्त एंड लिव्स अलोन और अकेला रहता है. ट्राई टू अंडरस्टैंड सेवन सेवन समझने की कोशिश करो ट्राई कोशिश. आई टोल्ड मैंने कहा ही मुझसे इफ़ यदि ही हैज़ लिव्ड इन शंकर हाउस यदि वो शंकर हाउस में रहा है फॉर ईयर एक साल के लिए एंड हैज़न मेड अ सिंगल फ्रेंड और उसने एक दोस्त भी नहीं बनाया. देयर इज़ समथिंग रॉन्ग वहाँ कुछ तो गलत है. ही इज़ ऑब्वियसली स्केयर्ड दैट समवन वो स्पष्ट रूप से डरा हुआ है कि कोई विल रिकोगनाइज हिम उसको रिकोगनाइज पहचानना विल है तो पहचान लेगा हिम उसको एंड गिव हिम अप और दे देगा टू द कॉप्स कॉप्स माने यानी पुलिस को. मे भी हो सकता है नो वंस ट्राइड किसी ने भी ट्राइड कोशिश न की हो टू मेक बनाने की फ्रेंड्स मित्र विद हिम उसके साथ दोस्ती करने की कोशिश न की हो. निषाद प्रोटेस्टेड निषाद ने बचाव किया विरोध किया सॉरी. वाई शुड एनी वन बॉदर किसी को क्यों परेशानी होनी चाहिए भला कोई क्यों परेशानी उठाए. यू हैव सीन तुम देख चुके हो वट ए नेस्टी बियर ही इज़ वो कैसा क्या है शैतान भालू नेस्टी बियर शैतान भालू है. आई सेड मैंने कहा आई डोंट केयर मुझे कोई परवाह नहीं है. सेड निषाद स्टबर्नली निषाद ने जिद से कहा हट करके कहा. आई लाइक हिम मैं लाइक पसंद करता हूँ मिसको एंड आई एम गोइंग और मैं जा रहा हूँ ट्राई कोशिश करने एंड बी बनने हिज फ्रेंड उसका दोस्त. फ्रेंड्स विद अ क्रूक अपराधी के साथ दोस्ती हाँ यू आर क्रेजी तुम पागल हो गए हो. सेवन आई सेड मैंने कहा द कोप्स सिपाही विल टेक ले जाएंगे यू तुमको जेल विद हिम उसके साथ. डू यू वॉन्ट क्या तुम चाहते हो दैट एस वैसा टू हैपन होना. यू इडियट तुम बेवकूफ निषाद मेयरली ग्लेयर्ड एट मी तो निषाद केवल मुझे घूरता रहा एंड क्वाइटली वॉकड और चुपचाप वॉकड आउट बाहर चला गया ऑफ द रूम कमरे से. माई थ्योरीज मेरी धारणा को मेरी धारणाएं सीम्ड दिखती थी टू हैव मेड बनाती हुई नो इम्प्रेशन कोई प्रभाव नहीं ऑन हिम उस पर एट ऑल आखिरकार. सो दैट्स ऑल प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब थैंक्स फॉर वॉचिंग.